हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपना लॉन्ड्री रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मैं अपने कपड़ों को कैसे केयर करके रखती हूँ, कैसे अच्छे से मैं उसको मैनेज करती हूँ और हफ्ते में मैं कितनी दिन जो है अपनी लॉन्ड्री लगाती हूँ। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेरी देख रहे हैं, मैं वाइट कपड़े जो हमारे घर के होते हैं, मैं उसको अलग से यहाँ निकाल रही हूँ क्योंकि वाइट कपड़ों को मैं थोड़ा सा अलग से ट्रीट करती हूँ और बाकी कपड़ों को मैं अलग से। तो सबसे पहले वाइट कपड़ों को मैं अलग करके और फिर मैं इसमें जो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े हैं, अभी ये डेली बेसिस के कुछ कपड़े हैं, तो यहाँ पे मैं इसको वॉश करूँगी। मैंने जो है सर्फ डाल दिया है और उसके बाद मैं थोड़ी सी जो है कंफर्ट, जो कपड़ों को थोड़ा सा कंडीशनिंग करता है और कपड़ों में थोड़ी सी जो है खुशबू बनी रहती है, क्योंकि गर्मी का समय है तो कपड़े बहुत ही पसीना के वजह से स्मेल करते हैं। तो ये चीज़ अगर हमें कंफर्ट डालते हैं तो हमारे जो कपड़े हैं वो स्मेल नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है ये जो वाइट कपड़े हैं उनको मैं अलग से यहाँ पे ये रिन वाइटनर जो होता है फैब्रिक, तो इसको मैं थोड़ा सा एक ढक्कन डालूँगी। और इसको डालने से जो वाइट कपड़े होते हैं, जो उस पर कोई भी गंदगी अगर लगी है तो वो आसानी से निकल जाती है। और ये थोड़ी सी मैं बैनिस डालूंगी, इसको भी एक ढक्कन में डालूंगी, क्योंकि बैनिस को डालने से जो हमारे कपड़ों में चमक खो देती हैं तो ये चमक को बरकरार रखती है। तो दोनों में से मैंने एक एक ढक्कन को यहाँ पे निकाल लिया है और उसके बाद इसमें मैं दोनों को डाल दूंगी। उसके बाद जो है इसमें थोड़ी सी मैं सर्फ ऐड करके और जो वाइट कपड़े हैं मैं इसमें डाल करके आधे घंटे के लिए मैं इसमें छोड़ दूंगी, ताकि जो भी इसमें गंदगी है वो अच्छे से निकल जाएगी और जो हमारे कपड़े हैं वो अच्छे से मेंटेन रहेंगे। भी होता है कि हमारे जब वॉशिंग मशीन चलती है तो उसमें जो है पानी का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, यानी बिल्कुल कभी कभी नहीं आता है। तो पीछे से जो है इसको ओपन करके और ये जो पार्ट है उसको निकाल लेना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कितनी जो है इसमें धूल मिट्टी लगी हुई है, क्योंकि वो जाली रहती है तो जाली भट जाती है, इसकी वजह से पानी जो है उसमें नहीं जा पाता है। तो बस इसको रोटी के नीचे इसको साफ़ करके और फिर आप इसमें लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि पानी जो है फिर इसमें आने लगा, क्योंकि पानी जब मैंने कपड़े लगाए थे तो नहीं आ रहे थे, बस साफ़ हो गई है और ये पानी जो है आ गई है। उसके बाद एक जो लोड है मेरा हो गया है, अब ये दूसरा लोड जो है जो वाइट कपड़े हैं इसको मैंने डाल दिया है और कुछ और कपड़े जो एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि इतनी थोड़ी जो कपड़े हैं नहीं धुलाएंगे, तो एक दो कपड़े जो और थे मैंने इसमें डाल दिए हैं।
और यहाँ पे ये वॉश हो गया है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये वाइटनिंग हो गई है। क्योंकि जो मोजा वगैरह होता है ना, तो आप इस तरह से ही बच्चों के स्कूल के धो सकते हैं, तो एकदम जो है वो वाइट रहेगी। तो सारे कपड़े जो है यहाँ स्टैंड पे पड़ गए हैं। और उसके बाद जो है मशीन को जो है, कभी कभी होता है कि मशीन में से स्मेल आती है, तो स्मेल इसलिए आती है कि हम मशीन को धुल करके और फिर उसको ढक देते हैं, तो उसको थोड़ा सा ड्राई करके पोंछ के और फिर उसको हम थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए इसको ओपन ही रखें, तो इसमें से स्मेल जो है वो नहीं आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए। उसके बाद कपड़ों को फोल्ड करने के लिए, प्रेस करने के लिए मैं एक टाइमर लगाती हूँ और टाइमर के हिसाब से ही अपने कपड़ों को फोल्ड करती हूँ। उस टाइमर में जितने कपड़े जो हैं वो फोल्ड प्रेस हो जाएं। तो इस तरह से जो है मैं अपना लॉन्ड्री जो है करती हूँ। और हफ्ते में मैं जो है दो से तीन बार ही मैं लॉन्ड्री लगाती हूँ, बाकी दिन मैं लॉन्ड्री नहीं लगाती हूँ। बाकी जो कुछ कपड़े होते हैं वो हाथ से ही मैं धो लेती हूँ। और इस तरह से मेरे सारे कपड़े जो है मैनेज रहते हैं और मेरे कपड़े हमेशा शाइन करते हैं। अगर इस तरह से आप फॉलो करते हैं तो आपके भी जो है कपड़े जो है अच्छे से रहेंगे। और बाकी कुछ कपड़े जो फोल्ड करके मैंने रख दिए हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।